है डिसाइडेड टू विजिट जंगल, तो उसमें एक जो जोश होता है ना हमारा, वो समझदार होता है। वो क्या कहता है कि इतने घने और बड़े जंगल के अंदर हम सुबह जा रहे हैं, रात को वापस आएंगे, हम तो रास्ता भूल जाएंगे। अब एक समझदार दोस्त होता है, वो ट्रीज के ऊपर ना मार्किंग करता जाता है, फ्लैगिंग करता जाता है। तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 20 तक जाते हैं वो। अब वापसी जब वो बैक असर के बाद या मगरिब के बाद या लेट नाइट आते हैं, तो अब वो नेट जो मार्किंग है ना उसे एंटी क्लॉक वाइज काउंट करते आएंगे, 20 18 19, वो आगे देखेंगे कहीं कहीं 17 करते करते 10 9 8 7 5 3 2 1, अब वो पहुंचेंगे फ्लैग किया हुआ। अगर ये फ्लैगिंग ना हो तो वो कभी अपनी मंजिल में ना पहुंच सके। इसी तरह द सेम लाइक, अब हम एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, तो अब हम साइड विंडो से जब नीचे देखते हैं तो हमें जो बड़े बड़े हाउसेस घर वगैरह होते हैं, तो अब हमें ऐसे छोटे छोटे से नजर आ रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक पानी का टुकड़ा हमें नजर आ रहा होगा। तो हमें दूर से बहुत ऊंची 40 50 30 40 20 हजार किलोमीटर 20,000 फीट के ऊपर जाके जब देखेंगे, तो हमें जो पानी का बड़ा सा टुकड़ा है वो लग रहा होगा यहाँ पे वाटर है, और इन इन हिस्सों में खुश्की है जहाँ पे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से बिल्कुल घर नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो ये फ्लैग हो रही होती है, मतलब हमें बर्ड आई व्यू दे रही होती है। अब इसमें फ्लैग कैसे करना है, फ्लैग का मतलब ये है, फ्लैगिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है, रीड टू वर्ड्स बिफोर ईच ब्लैंक, मतलब कि हर ब्लैंक से पहले आपने टू वर्ड्स पढ़ दो लेने। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये ब्लैंक आ गया हमारे पास, फर्स्ट ब्लैंक, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, काउंट दी ब्लैंक्स, काउंट दी ब्लैंक्स, पहले वर्ड काउंट दी ब्लैंक्स कर ली। अब देखें कितनी फटाफट करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5, अभी जब आप करेंगे 10 सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे ही कर लिया उसके बाद मैंने फ्लैगिंग करनी है, फ्लैगिंग का मतलब होता है रीड टू वर्ड्स बिफोर ईच ब्लैंक, के हर ब्लैंक से पहले की दो वर्ड्स पढ़ने। देखिए ये ब्लैंक है, इससे पहले के जो दो वर्ड्स होंगे हमारे कौन कौन से होंगे, चॉइस ऑफ, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, अबिट, आई एम अबिट, ये बहुत सिंपल है। टू बी, अब ये टू बी ऐसा वर्ड है जो हमने फ्लैग कर लिया है, फ्लैग से मुराद हाईलाइट नहीं करना, जस्ट पढ़ना है हमने, तो हमारे माइंड में होगा। जैसे वो स्पीकर बोलता हुआ इधर ब्रैड एज यू नो की तरफ आएगा ना, तो हमें पता होगा टू बी पे जैसे वो आएगा, मैंने उसको फौरन मुझे पता चल जाएगा कि वो ना आगे है ना पीछे है, वो जस्ट इस तीसरे ब्लैंक पे है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो कहते हैं सब्जेक्ट क्रीम लीगल इंस्टीट्यूशन, अभी लीगल इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपके दो वर्ड्स हैं जो आपने फ्लैग करने, मतलब फ्लैगिंग का मतलब रीड टू वर्ड्स बिफोर ईच ब्लैंक, हर ब्लैंक से पहले के दो वर्ड्स आपने पढ़ लेंगे। अब ये जो है एरिया दैट आई एम, क्यों आई एम बहुत स्मॉल है, तो एरिया दैट आई एम। अब क्या होगा, जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना, आपको पता चल जाएगा चॉइस ऑफ अपीट टू बी इंस्टीट्यूशंस एंड आई एम। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए अब हम ये वाले पॉइंट्स को कर ही नहीं सकते, देखिए ना इन पॉइंट्स को तो हम कभी भी छेड़ ही नहीं सकते, कि 10 सेकंड्स में यू कैन नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, हम ना ही स्टॉप कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, ना स्किप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल एक दफा ये स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अब ये स्टार्ट हो गई है, अब हमने ये साथ साथ पढ़ते जाना है, ये वो बोलता जाएगा चॉइस ऑफ डैश। अब जैसे ही हमें पता है चॉइस के ऊपर है, अब हम इसको लिख रहे होंगे ना जब, तो एग्जामिनर वो जो रिकॉर्डर है वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। अब मैं ट्रैप हो जाऊंगा कि पत्नी वो इधर चला गया है, पत्नी किधर चला गया, मैं उसको ये देखता, उसके ना वर्ड्स पकड़ने की मैं कोशिश करूंगा कि कहाँ गया हुआ है वो। हालांकि करता करता ना वो एंड तक बोल के उसके बाद कहेगा डोंट रियली इंटरेस्ट यू एज मच, और हमें मतलब वो शीट किधर गया, मैंने तो जस्ट एक वर्ड अभी पिक किया है। तो हमें ना उस वक्त ना ये चीज काम आती है फ्लैगिंग, फ्लैगिंग हमें बता देती है कि आपने दो वर्ड्स को फ्लैग कर लेना है हर ब्लैंक से पहले का। देखिए चॉइस ऑफ, अब मैं चॉइस ऑफ वर्ड अपने पेपर पे लिख रहा हूँ, अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगा ना, अब मैं भूल गया हूँ पता नहीं किधर है वो, लेकिन मुझे ये पता आई एम अ बिट, मैंने हाईलाइट किया, जैसे वो कहेगा ना पॉइंट कोर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैट टाइप टैक्सेस, बट आई एम अ बिट, आपको फोन लगे वो शीट ये तो यहाँ पहुंच गया, आप फोन से उसको अपने पेपर पे टाइप लिख लोगे, सही है। फ्लैग, अगर ये फ्लैग ना गया तो नहीं पता चलेगा। अब आपको पता है जो नेक्स्ट थर्ड है, जस्ट आपने इसी ये पेपर पेपर भी लिखते भी लिखते रहना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए। अब आपको पता है जो मेरा थर्ड ब्लैंक है, ठीक है, उससे पहले के जो रहना दो पहले। वर्ड्स है टू बी है, अब वो आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप दूसरे वाला जस्ट अभी लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता आप बिट कन्फ्यूजन, फॉर एग्जाम्पल ये अब वो बोलता जा रहा है, बोलते बोलते ना वो एकदम यहाँ आ गया है, अब मुझे सिर्फ माइंड में ये होगा टू बी, जैसे बोलेगा वो शिट टू बी कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, हालांकि ये नहीं है मुझे नहीं पता क्या है, मैं लिख रहा हूँ जस्ट, अब वो आगे बोलता जाएगा। और अभी आप इसको लिखने में, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना हमारा सारा का सारा फोकस एक चीज पे होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो स्टॉप ही नहीं होना, इसका मतलब वो कंसेप्टिव चलती जाएगी। तो अब मुझे बताया मैंने 4K जस्ट
इसे करने के बाद फौरन आपने अपनी आईज ना यही लाकर फ्लैग कर देनी है, यही स्टक कर देनी है आपने। नहीं देखना वो पीछे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमने हमें सुनने के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें वही नंबर मिलेंगे जो हम यहाँ पुट करेंगे। हमें जो यहाँ हमने करना है ना यही हमें इसके नंबर मिलने हैं। देखिए अब जो हम इधर लिखेंगे उसी ही के हमें नंबर मिले, अदरवाइज हमें कोई स्कोर नहीं मिला। अगर हम एक चक्कर में रहे कि हमें एक एक वर्ड समझ आना चाहिए, जैसे जैसे बोलता जा रहा है हमें एक एक वर्ड साथ साथ भी देखना चाहिए क्या बोल रहा है, नहीं हमें कंसर्न ही नहीं है। हमें कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें हमारे स्कोर पूरे मिले, जिसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को फ्लैग कर सकते हैं एरिया दैट है। अब जैसे वो ये वाला वर्ड बोलेंगे बिफोर में पता चल जाएगा ये है। बाद के ब्लैंक के बाद वाले वर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना, ब्लैंक से पहले को। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, That रीड टू वर्ड्स बिफोर बिफोर ईच ब्लैंक, ना कि आफ्टर ईच ब्लैंक, ये चीज है। अब क्या करना है आपने, अब आपने ने, हाँ ने, ने क्या करना है, अपनी पेज पर आपके पास नोट पैड है? हाँ जी जी ठीक है। आपने नोट पैड पे नंबर वन काउंटिंग करनी है, ठीक है नंबर वन काउंटिंग है। अब समझेंगे ये ना आपके ना स्पेस है, ये आपके पेज के ऊपर ऐसे स्पेस होगी। नंबर टू काउंटिंग, नंबर वन काउंटिंग कर देनी है। अब ये ना सारी की सारी आपकी, ये तो खैर पेज तो आपका ऐसे बना ही होगा। ब्लैंक्स अब कितने हमने काउंट दी ब्लैंक्स, देखिए अब इसको करने का पहला स्टेप क्या है, काउंट दी ब्लैंक्स। आपने एक ब्लैंक्स काउंट कर ली, कितने ब्लैंक्स बनी है भला? पांच हो बने, 25 बन गए। गए, फाइव अभी देखिए पांच ब्लैंक्स बनी। अब आपने जस्ट क्या करना है, ऐसे ही करना है रियल एग्जाम में भी, आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर तो लाइन्स बनी इसलिए बनाई है, ब्लैंक पेज है, रियल एग्जाम में आपको ब्लैंक्स मिली हुई आएगी। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर वो बोलता है, अभी देखिए इन ब्लैंक्स में हम तब पुट करेंगे जब हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बात करता है, ये सारा बोलता जाएगा, टू गेट माई हेड अराउंड द चॉइस ऑफ पता नहीं क्या। फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ वो कहता है चॉइस ऑफ चॉइस ऑफ फॉर द ऑप्शन पार्ट ऑफ थर्ड ईयर हो रहे हैं। अच्छा चॉइस ऑफ फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अभी ये हमने ब्लैंक के ऊपर लिख लिया। अब दूसरा वो जो वर्ड बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कन्फ्यूजन, हालांकि ये नहीं है, अच्छा ये कन्फ्यूजन आ गया। अभी समझेंगे हमने लाइन्स के ऊपर लिख रहे हैं कंसिडर, ठीक है। अभी आपने हाँ पेपर नोट पैड पे आपने लिखते जाना है। अब क्या करना है आपने, अब नोट पैड पे लिख ली। भी नोट पैड हाँ जी क्या कह रहे हैं? लिखते जाना है टाइपिंग से ज्यादा हमारे आज की स्पीड तेज हाँ होती है ना, जी जल्दी आपने डायरेक्ट इधर टाइप नहीं करना, आइडिया दे दे बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बाद में। डायरेक्ट हाँ जी इधर टाइप करेंगे तो आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब ही रहेंगे। मेरा हाँ तो तजर्बा यही कहता है, स्टूडेंट को पहले जी ये करवाया जाए फिर, और टाइम हाँ बहुत होता है। आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ये तो इस वाले पार्ट में आता फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कहाँ पे आता फिल इन द ब्लैंक्स, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है तीसरे नंबर पे, जो पार्ट है पार्ट टू का। पार्ट टू के अंदर हमारे पास जो टास्क आते हैं वो तीन ये सात आते हैं, और जो पार्ट वन है उसके अंदर जो हमारे पास आता है पोर्शन वो जस्ट एक आता है, वो क्या है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब इसके तो हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं, हमने नीचे पढ़ लिया है, और इसके स्कोर भी 10 है, ये देखिए 10 मिनट्स होते हैं और इसके 10 ही इनके पास हमारे पास स्कोर्स होते हैं। लेकिन अब जो ये ना ये 7, अभी जो 7 है ये पार्ट टू का हिस्सा है, और इसके लिए जस्ट हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं। अब आप ये नहीं देखिएगा कि एक है तो उसके लिए 10 मिनट्स मिल रहे हैं, और इधर इतने सारे मैंने 7 करने हैं तो इसके लिए हमें जस्ट 20 मिनट्स मिल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ईजी ईजी होते हैं। देखिए ना फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास कितने पैराग्राफ्स आएंगे, अभी हमने पढ़ा है 4 से 5 पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है, और 4 से 5 ही ब्लैंक्स आएंगे। इसका मतलब ये समझ लेंगे पैराग्राफ है जो आपके एग्जाम में आएगा, और इसके रिकॉर्डिंग लेंथ चेक करें कितनी है, 1 मिनट और 24 सेकेंड्स। इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं देखिए एक पीजी की लेंथ, अगर हम लेंथ देखते हैं वो है जस्ट 1.5, हम 1.5 मिनट की लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल पीजीज की जो लेंथ होगी ना वो बोला कितनी होगी, वो हो जाएगी 5। फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ आते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5,